दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कब सबसे कम लाइन लगती है इस मंदिर के दर्शन के लिए, केदारनाथ के दर्शन के लिए। बहुत ठंडी हवा चल रही है, हाथों में पूरी सुन्न हो गए, सुन्न। ओह आंटी गिर भी गए दोस्तों। हालांकि ये ग्लेशियर हट गया है लेकिन अभी भी ब्लैक आइस बनी हुई है। चल भी गया था लेकिन अब मैं फिसला हुआ वीडियो थोड़ी दिखाऊंगा अपना, वैसे मैं बना नहीं पाया, वो गिरते कौन दिखाता अपना वीडियो ना। हेलो दोस्तों, केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। आपको हम ले आए भीमबली के ऊपर और ये पीछे बह रही है मंदाकिनी रिवर। ऊपर दिख रहा है बिल्कुल पहाड़ों में बर्फ और सफ़र जारी है बिल्कुल। अब चढ़ाई असली वाली स्टार्ट हुई है, सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था तो कुछ बता नहीं पाए कहाँ से क्या है। तो हमने कल अच्छी चीज़ ये की कि हम सोनप्रयाग में रुके नहीं, हम आ गए थे गौरीकुंड, वहाँ के हमने होटल रात को वहाँ पे किया स्टे और सुबह वहाँ से सुबह सुबह निकल गए थे 3:30 बजे, तो पूरा अंधेरा था। तो दोस्तों हम निकल पड़े अभी 3:30 बजे में और जैसे हम निकले ये देख ली गौरीकुंड का हाल पर जय भोलेगी। सुबह सुबह जल्दी आए थे 3 बजे की हम पैदल चलेंगे और घोड़े ही होंगे, और अभी ये देखो पूरा घोड़ा लगा रखे हैं और बाकी आधे रास्ते में घोड़े चल रहे हैं। चलने की जगह तक नहीं मिल रही हमें। क्या झरना है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ पीछे की तरफ। पीछे देख रहे हैं ये एक झरना है और लगभग हम अब तक 3 किलोमीटर अप्रॉक्स की ट्रैकिंग कम्प्लीट कर चुके हैं और अभी तक मोटिवेटेड हैं। ठीक है, फीलिंग गुड है, नो डाउट थक गए हैं बट, और अभी सवेरा नहीं हुआ है तो ठीक है, अभी गुड टू गो है। ओके कंटिन्यू करते हैं, कोई अपडेट जैसे ही कुछ नया दिखेगा आप लोगों को अपडेट देते हैं। दोस्तों सुबह की शुरुआत हो रही है और एक झरना में प्यार रसा मिला है और आगे अभी आपको दिखाते हैं आगे वाले पहाड़ में तो बिल्कुल बर्फ़ हो रही है। दोस्तों बर्फ़ दिख रही है पीछे की तरफ दोस्तों। सुबह सुबह ये अपना ट्रैक है और अभी काफ़ी लंबा ट्रैक है, जा रही है घोड़ों से बच के तो अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा आराम, आराम आराम करके चलो, पानी पीते चलो, आराम आराम से वीडियो पे हो जाएगा सब कुछ। उजाला हो चुका है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। बम बम बोले पहुंच गए भीमबली, बस थोड़ा रह गया, आधा रास्ता लगभग हो गया अपना, अब ये रास्ता रह गया। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो घोड़ा कैसे फंसा हुआ है, ये हालत होती है घोड़ों की, तो इसमें सवारी बैठ रहा था तो गिरेगा ही ना। वापस बैठा रहे हैं दोस्तों। ट्रैकिंग करते करते हम पहुंच गए हैं छोटी लिंचौली, ज़्यादा दूर रह नहीं गया लेकिन खड़ी चढ़ाई, बहुत खड़ी चढ़ाई, मतलब भीमबली के बाद ही आपको असली चढ़ाई फील होगी, उससे पहले तो नॉर्मल नॉर्मल सा ही है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पार करने में। सुबह के निकले हुए हम 3:30, 9:30 हो गए, 6 घंटे से हम ट्रैक कर ही रहे अभी और थोड़ा सा और बचा है। चलो जय जय भोले, चलो चलते हैं आगे। आप ये सोच रहे हो कि केदारनाथ का ट्रैक टफ है कि नहीं है, तो ज़रूर टफ है। अगर आप डेली कुछ एक्सरसाइज या ट्रैकिंग पे नहीं जाते तो बहुत टफ है और हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, स्पेशली ना यहाँ जब लास्ट में चढ़ाई आती है पुल पार करने के बाद। तो मेरे पीछे हुए हैं, यहाँ पे बर्फ़ आ गई थी, एम्बुलेंस वगैरह हो गया था तो ये रास्ता बंद हो गया था, अब क्लियर हो गया। ये देखो फाइनली इस ग्लेशियर को क्रॉस करके हम बेस कैंप पहुँचने वाले हैं, बस 500 मीटर और रह गया है वहाँ से मंदिर करीब दिखने लग जाएगा। तो चलो आपको बेस कैंप दिखाता हूँ, इसके पीछे है बेस कैंप ऊपर और यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ़ है, कितनी सारी बर्फ़ है देखो, ऑसम व्यू। और यहाँ पे ना आके बादल भी लग गया, यहाँ पे मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, बिल्कुल सडन चेंज। और चलते हैं बेस कैंप, और कितना घंटा लग गया बता दूँ मैं आपको, 3:30 बजे निकले थे, 11:30 हो गया, यानी कि 8 घंटे बेस कैंप के, फिर वहाँ से थोड़ा और लगेगा अभी मंदिर का, तो देखते हैं कि कैसा सीन है क्या है। जय जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, हो गए अपने दर्शन पूरे और पूरा हो गया 1:15।
यानी कि हम निकले थे कितने 3:30 बजे, करीब करीब 10 घंटे हमें लग गए और पूरे दर्शन हो गए और बिल्कुल लाइन नहीं थी, बिल्कुल हम एकदम से आ गए और मस्त हो गया, एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। बम बम भोले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं बाबा जी के। मौसम यहाँ और मौसम वहाँ, आ गए बादल, नो फॉल हो रहा है। यह है भैरव मंदिर का रास्ता और अभी जस्ट स्नोफॉल हुई है पूरी, मेरे पीछे रिवर दिख रही है जो उसका पुल बना हुआ है मंदाकिनी रिवर का, और अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ। देखो रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा जाम है, अरे बर्फ पड़ गया क्या? हाँ नहीं नहीं बच्चों का ख्याल रखो। ये देखिए कैसे बर्फ के ऊपर चलना पड़ रहा है, दोनों साइड यहाँ ढलान ऊपर ऐसा हो रहा है, ये देखो बिल्कुल ताजा बर्फ है, पैर चले जा रहा है इसमें। वो बादल आ रहा है, वो बारिश ला सकता है, तो मुझे फटाफट जाना चाहिए अब, तो इससे पहले कि बादल बारिश लाए मैं फटाफट से पहुँचता हूँ। पहुँच गया हूँ भैरव मंदिर, अरे देखो मौसम कैसे चेंज हो गया, एकदम दिख भी रहा नीचे मंदिर केदारनाथ। अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ धाम से, यहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फबारी कल रात शाम को हुई थी, लेकिन अब शाम दिन में मौसम बहुत खुला हुआ है, सुबह सुबह बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है इस वजह से, और चलो आपको देखते रहते हैं अपडेट क्या रहता है। तो लगभग कल मैं, अच्छा एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, लगता 16 किलोमीटर लिखा होता है लेकिन लगता 20-22 किलोमीटर है, लेकिन कल मैं अपने उसमें देख रहा ट्रैकिंग वाले ऐप में, तो वो भी ऐसे बोल रहा था कि लगभग आप 20 तो नहीं चले आप किलोमीटर, क्योंकि मैं ऊपर भैरव मंदिर है यहाँ पर भी गया था और पूरा यहाँ प्रोमाइस में घूम रहा था, मैंने शाम को ही देखा बिल्कुल लास्ट में, तो फिर भी 19.5 बता रहा था, तो मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है किलोमीटर्स के हिसाब से, मतलब ये जो डिवाइसेस होती हैं शायद वो 16 ही नापते हो, 16 ही हो, मतलब फील ज़्यादा होता है क्योंकि चढ़ाई बहुत है और काफ़ी टफ है, अगर आप बिल्कुल भी हैबिट में नहीं है तो बहुत टफ है, तो और आपका असली मज़ा तो है चल के आने में ही, उसी में असली मज़ा आता है, और सब यहाँ पर रेट तो ऐसे चलते हैं भाई, अपनी मनमर्जी के हिसाब से बोलते हैं सबके सब जो भी रेट है कि हम लोग इतना देंगे इतना लेंगे इतना करेंगे वो करेंगे, तो चलो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है कि भगवान श्री यहाँ पर विराजमान है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ पे आसपास का व्यू भी बहुत प्यारा है, मतलब आना तो बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मैं तो 2 बार आ चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे कुछ पैच में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, और यह है भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ में, और यहाँ पीछे से रास्ता है, इस रिवर के ऊपर से रास्ता है, देखो रिवर भी खाते हैं, यह है रिवर, दो रिवर बहते हैं, एक इस साइड से बहती है मंदिर की, एक उस साइड से बहती है दूसरी साइड से, ओह वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है, सूरज की पहले किरणें पड़ रही है ना ऊपर, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही मस्त, चारों तरफ बर्फ बर्फ, कल शाम को फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। ये देख के चले क्या है, देखना चाहिए क्या है, क्या बना हुआ है यहाँ पे, कुंड है शायद कोई, शिवकुंड, ओम नमः शिवाय, बर्फ कितनी अच्छी लग रही है यार, देखो पानी के ऊपर भी हल्की हल्की बर्फ जम गई है, परत एक नेगेटिव में टेम्परेचर था ना रात को, काफ़ी ठंड थी, बहुत ठंडा हो रखा था रात को, जब रूम में गए उस टाइम तो ऐसी बुरी हालत हो रही थी, लग रहा कैसे कटेगी रात, लेकिन फिर उसके बाद रजाई वजाई डाल के मस्त गर्मी बनाई तो मस्त अच्छा हो गया था, उसके बाद सही रहा, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था, ना वॉशरूम जाने का ना पानी पीने का, बहुत ठंडा था, पर सुबह हुई तो अच्छा लगा, एनर्जी आ गई पूरी, जय जय महादेव, हर हर महादेव। टेंट पे पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ठंड लगती होगी ज़रूर, देखो कैसे हो रहा है टेंट का, ठंड लगने के चांस मुझे लगते रहे काफ़ी, रूम से तो ज़्यादा ही लगती होगी एटलीस्ट, और बारिश और हवा आ गई तो फिर तो और भी ज़्यादा।
दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कब सबसे कम लाइन लगती है इस मंदिर के दर्शन के लिए, केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो रात को मंदिर बंद हो जाता है, 7:30 बजे के आसपास आरती होती है, उसके बाद मंदिर बंद। तो उसके बाद केवल VIP पूजा वाले, या फिर आप लकी हैं तो आप हो सकता है स्निक करके अंदर घुस जाओ तो आपको दर्शन हो सकते हैं। और सुबह तो भाई बहुत लाइन में लाइन लग जाती है, क्योंकि रात को सब आए होते हैं और रात को दर्शन होते नहीं है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है पीछे, एक मिनट का गैप लेंगे, ये तो कुछ सुनाई नहीं देगा, या फिर मैं ज़ोर से बोलता हूँ चलो। तो उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है, सुबह सुबह तो बहुत लंबी लाइन लगती है और दिन में 3 से 5 तक मंदिर बंद होता है, तो उस शाम को भी बहुत लंबी लाइन लगती है। सबसे बेस्ट टाइम पता है क्या होता है, सुबह वाली लाइन को क्लियर होने में लगभग 10-11 बज जाते हैं, तो 11 बजे के आसपास, दोपहर के आसपास सबसे बेस्ट टाइम होता है, बहुत कम लाइन लगती है उस टाइम पे। और मंदिर भी काफ़ी देर से खुला होता है, जो लोग लाइन में खड़े होते हैं उनको भी दर्शन हो गए होते हैं, तो लाइन आपको कम मिलती है। तो मैं तो मानता हूँ कि दोपहर का टाइम थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप गौरीकुंड से या सोनप्रयाग से दिन में सुबह स्टार्ट कर रहे हैं और आपने अर्ली स्टार्टिंग किया, तो आप दोपहर को तो यहाँ पहुँच नहीं पाओगे। 10 घंटे तो मान के चलो लगभग, अगर आप पैदल आ रहे हो, और पैदल आने में तो वैसे मैं कितनी बार बोलता हूँ ऐसी जगहों पर, तो 10 घंटे तो मान के चलो लगभग लग जाएंगे, क्योंकि रुकते रुकते आओगे, थकते थकते आओगे। हालांकि आपकी प्रैक्टिस है, आप ट्रैकिंग करते रहते हो तो आप आ सकते हो 7 घंटे में भी, लेकिन टाइम लगता है रियलिटी है। और देखो यहाँ पे कितनी सुंदर ताल है, मैं आपको ताल दिखाता हूँ, कितनी बढ़िया ताल है, ये देखो पीछे, ये देखो कितनी सुंदर ताल है। और इस टाइम चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। तो ये है वो लेक, और आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। बहुत ठंडी हवा चल रही है, हाथों में पूरे सुन्न हो गए, सुन बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मोबाइल पकड़ने के चक्कर में हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। अब डालते हैं उनको पॉकेट में, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। छोटे लिंचौली, बड़े लिंचौली, वो नीचे जाके आएगा भीमबली बिल्कुल कैब के पास, और फिर उसके नीचे को उतरना है सोनप्रयाग के लिए। जब हम आ रहे थे तो ग्लेशियर ज़्यादा एक्टिव थे, अभी थोड़ा सा पिघल गए हैं। NDRF ने बहुत अच्छा काम किया, देखिए हटा दिया लगभग, बट थोड़ा सा रहेगा शायद, NDRF वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी कैसा रहता है। शायद एक ग्लेशियर बहुत बड़ा था, वो शायद अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, वो दिखाता हूँ आपको दोस्तों। हालांकि ये ग्लेशियर हट गया है, लेकिन अभी भी ब्लैक आइस बनी हुई है, तो वहाँ ढलान में तो काफ़ी रिस्की हो गया था। मैं तो हाथ बाहर निकाल के रखो अपना जब भी ऐसी जगह पे हो, ताकि कुछ पकड़ सको, रेलिंग वगैरह। और मैं तो फिसल भी गया था, लेकिन अब मैं फिसला हुआ वीडियो थोड़ी दिखाऊंगा अपना, वैसे मैं बना नहीं पाया, वो गिरते कौन दिखाता अपना वीडियो ना। तो फिसलने बहुत ब्लैक आइस, मतलब वो बहुत फिसली आइस हो गई है, तो संभल के चलो आराम आराम से, कुछ रेलिंग वगैरह है तो उसे पकड़ लो, नहीं तो थोड़ा सा झुक के चलो, ताकि आपका बॉडी का बैलेंस नीचे हो, ताकि आराम से ना गिरो, आराम से फिसल के निकलो। और हाथ तो हमेशा बाहर होने चाहिए, जेब में नहीं, ठंड हो रही, कुछ भी हो रहा, हाथ बाहर। इस ब्लैक आइस पे बिल्कुल संभल के चलो, बहुत फिसला हो रहा है, मतलब जहाँ पैर रख रहे हो जगह फिसल जा रही है, छोटे छोटे कदम लो। और NDRF की टीम आपकी हेल्प के लिए है, और वो सफाई कर रही है, लेकिन आप भी अपना खुद का ध्यान रखो, छोटे छोटे स्टेप्स, ग्रेविटी नीचे, कुछ पकड़ने को तो पकड़ लो, और आराम आराम से चलो, बिल्कुल ठोस हो गई है बर्फ। अरे वाह, नीचे से भी खोल दिया, अरे बहुत सही काम कर रहे यार NDRF वाले, एक रास्ता बाएं तरफ बना दिया है। ये देखिए यहाँ से ग्लेशियर लगता है, फिर टूटा है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी और रिस्की रास्ता है। ओह आंटी गिर भी गए, ओ ये क्या हुआ, बहुत फिसला हो रहा है, अभी मैं भी खुद भी गिर गया था, मैं खुद फिसल गया था पीछे, और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, मैं गिरा नहीं था हालांकि, मैंने पकड़ ली थी रेलिंग के साथ साथ चला था ना, बट यहाँ पे तो बहुत फिसला हो रहा है। हमारा जाने वाला रास्ता उस साइड से लेफ्ट से, तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, फटाफट पार करते हैं इसको, फटाफट से पार करते हैं, कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि हाथ फ्री रखने अपने। चल 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 घोड़े, ग्लेशियर के बीच तो दो ग्लेशियर के वजह से सारे घोड़े यहीं पे रुके, और अभी तक हमें कोई घोड़ा नहीं मिला, और ऊपर की तरफ से पूरा रास्ता क्लियर है, बाबा के धाम यहाँ सबको पैदल ही जाना है, सारे के सारे घोड़े बेस कैंप ना जाके यहाँ पे रुक रहे हैं ग्लेशियर के पास में, तो यहाँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रह जाता है। ये है शॉर्टकट, वो है मेन रोड। और शॉर्टकट के बारे में दो चीज़ें होती है, एक तो ये छोटा होता है पर साथ में कठिन भी होता है, तो आप मेन रोड से जाए आराम आराम से, चढ़ाई करते वक्त इसका यूज, हम तो ढलान के टाइम इसका यूज़ कर रहे हैं, उतरते वक्त फिर भी एनर्जी। बम बम बोले जय केदारनाथ।